अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीपी लिंक राउटर को रीसेट कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिव डिफॉल्ट सेटिंग में कैसे लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टीपी लिंक राउटर को पावर ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हमने पावर ऑन की तो देखें यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है। तो आपने इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट रीसेट करना है। तो इसकी बैक साइड पे जब आएंगे तो हम देखेंगे इस पे ये पोर्ट्स 1, 2, 3, 4 लैन पोर्ट और एक पैन पोर्ट है। पैन पोर्ट पे हमारी केबल लगी हुई है, ये से इंटरनेट हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो रीसेट के लिए तो यहाँ पे देखें, रीसेट के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है WPS रीसेट। तो इस बटन को आपने 10 से 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो मैं इसको 10 से 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा लाइट ब्लिंक होगी, ये अभी लाइट ऑफ हो के ऑन हुई है दोबारा। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ गया, यानी कि जो भी हमने इस पे सेटिंग कॉन्फ़िगर की हुई थी वो सारी की सारी रिस्टोर हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। और जैसे हम न्यू परचेज करते हैं तो वो उस तरह उसकी सेटिंग आ गई है। तो मैंने इसको 15 सेकंड बाद रिमूव कर दिया। तो अब इसकी पावर ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली और इसकी जो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी अरेज हो गई है। अब आप दोबारा से इसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉडल के रूटर को रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।